ओ भाई मेरे को वन स्पिन में मिल गया। तो फाइनली गाइस देख सकते हो आ चुका है M887 का स्किन और इसका एबिलिटी जो है ना ये ऑसम टाइप का है। इसका एनिमेशन भी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूंगा गाइस ये जो M887 है ना इसको वन स्पिन में कैसे निकल सकते हो। वन स्पिन मतलब आप यहाँ पर 90 स्पिन करोगे और गाइस आपको यहाँ पर टोकन मिल जाएगा और इस टोकन को एक्सचेंज करके ये जो M887 है इसको निकाल सकते हो। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड बिना किसी और वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले हर बार की तरह छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब और साइड में नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस कर लो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और गाइस मैं एक छोटा सा बात कर लेता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले। तो गाइस आपको सभी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी मेरा फ्रेंड मेरा एक्टिव सब्सक्राइबर हो मेरे को पसंद करते हो तो वो वीडियो को जो देख रहे हो ना एटलीस्ट पूरा वीडियो को देखो और गाइस एक छोटा सा कमेंट कर दो भाई, जो भी आपका कीमती समय में वेस्टेड नहीं करना चाहता हूँ लेकिन थोड़ा सा छोटा सा मतलब आप नाइस गुड ओके ऐसा छोटा सा भी कमेंट कर सकते हो भाई, छोटा सा कमेंट करके इस वीडियो को वायरल कर सकते हो। तो आपके हैंड में है गाइस आप ही जो है कुछ कर सकते हो, इस वीडियो को वायरल भी करना है क्या इस वीडियो को डाउन करना है तो आपके ऊपर है। तो आप सोचो आपको क्या करना है, आप मेरे को पसंद करते हो क्या नहीं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर वन स्पिन में कैसे ये M887 है इसको निकाल सकते हो। तो बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है और ये प्रोसेस मैं हर बार यूज करता हूँ, आपको भी दिखा दूंगा कैसे आप यहाँ पर वन स्पिन में इसको निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या करना है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पर इसको बैक आ जाना है। यहाँ पर जो देख रहे हो ना बाउंड्री वाला सेक्शन, इसमें आपका जो भी है सर्वाइवल मैप बाउंड्री है उसको रिमूव कर दो, यहाँ पर से भी रिमूव कर दो। लेकिन आप देख रहे हो रिमूव हो जाएगा लेकिन आप यहाँ पर स्पिन करने जाओगे तो ये फिर से जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैप्चर कर लेगा। तो फिर से आपको ऐसा करके रिमूव कर लेना है और हर बार देखना है। तो कहीं कहीं बार यहाँ पर शो भी नहीं करते हैं लेकिन आप जब लॉग आउट करके लॉग इन करोगे ना तब आपको पता चलेगा ये भाई बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है, ये बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक ले लिया है। तो उसको आपको फिर से रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद गाइस आपको कुछ भी नहीं करना है, कैरेक्टर में जाने के बाद ये छोटा सा प्रोसेस है, बिल्कुल मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। और भाई कैरेक्टर में जाने के बाद आपको जो यहाँ पर एडम चाचा है उसको आपको ले लेना है। तो गाइस देख सकते हो एडम चाचा है मेरे पास, गाइस सभी के पास है तो इसको यहाँ पर ले लो। लेने के बाद गाइस इसको बैक कर दो, भाई सब कुछ ठीक ठाक है, इसके पास कोई भी कॉस्ट्यूम है तो उसको हटा दो और ये जो कॉस्ट्यूम है इसको जो है कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आपको लक रॉयल में जाना है। लक रॉयल पे जाने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो 90 वाला सेक्शन देख रहे हो ना। और गाइस मैं एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया, मैं एडम चाचा का लिया था लेकिन एडम चाचा को नहीं लेना है, ये जो हवा चाची है उसको ले लेना है। और गाइस ये देख सकते हो फीमेल वाला वर्सन में ले चुका हूँ, लेने के बाद यहाँ पर आ चुका हूँ और उसके बाद 90 वाला एक स्पिन करता हूँ। और गाइस देख सकते हो पहले स्पिन में मेरे को एक जो है टोकन मिल चुका है। तो ऐसा ही करके आप जो है आपका बैड लक को गुड लक कर सकते हो और आपका 90 स्पिन में एक भी टोकन नहीं निकलता है तो ऐसा करके आप 100% निकल सकते हो। और जिसका लक थोड़ा सा भी बेहतर है ना तो आप पहले ये जो ट्रिक्स है इसको यूज करके सिर्फ एक 20 वाला स्पिन करके देखो, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको एक टोकन मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसा यूज करके हर बार करना है लेकिन आपको ध्यान में रखना है ये जो बाउंड्री वाला सेक्शन है उसको बार बार रिमूव करना है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है टच हो जाता है तो उसको क्या करना है हर बार रिमूव करना है उसके बाद आपको स्पिन करना है। और ये एनिमेशन वाला सेक्शन को भी आप हटा सकते हो, उसमें भी थोड़ा सा चांसेस हैं जो है ज्यादा से ज्यादा टोकन मिलने का। तो गाइस कैसा लगा ट्रिक्स, उम्मीद कर सकते हो बहुत ही आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो भाई एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस कर लो ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और जो भी फ्रेंड अभी तक कमेंट भी नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो भाई, कमेंट कर दो नाइस गुड ऐसा करके जो भी चाहते हो एक कमेंट कर दो भाई। एक कमेंट से भाई जो है मेरे को पता चल जाए मेरा जो वीडियो है उसमें कमियां क्या है उसको सुधारने का मैं कोशिश करता हूँ। तो जल्दी से जल्दी एक कमेंट कर दो। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अलग वीडियो पे, तब तक के लिए अच्छे रहना भाई लोग, बाय बाय।